भी कॉर्पोरेट से रिटायर होने का प्लान बना रहे हैं और फिर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे में इस बीच सबसे बड़ा सवाल आता है लोन का। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप अगर एक पेंशनर हैं और आपकी एज 60 से ज्यादा है तो भी आपको बेहद आसानी से लोन मिल जाएगा, जिसमें आपकी मदद करेंगे गवर्नमेंट के दो बड़े बैंक्स। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी हमारे वीडियो में आगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि बुजुर्गों को लोन नहीं मिलता, और वो इसलिए क्योंकि एक सीनियर सिटीजन के पास कमाई का कोई ठोस साधन नहीं होता है, इसलिए बैंक उन्हें लोन देने से रिलायबल नहीं मानते हैं। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। अगर आप पेंशनर हैं तो आपको कई बैंकों से लोन ऑप्शन 60 की उम्र के बाद भी मिलते हैं। इस लोन फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का नाम शामिल है, जहां से सीनियर सिटीजन को जरूरत पड़ने पर लोन मिल जाता है और आपके अटके हुए काम भी इस लोन को लेने से पूरी तरह से आसानी से पूरे हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं PNB बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें सीनियर सिटीजन के लिए लोन स्कीम चलाई जाती है, जिसका नाम है पर्सनल लोन स्कीम फॉर पेंशनर्स। इस लोन स्कीम में मिलने वाले लोन अमाउंट को पेंशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। देखिए, अगर आपकी एज 70 इयर्स तक है तो इस स्कीम के तहत मिनिमम आपको 25,000 तक की अमाउंट मिलेगी और मैक्सिमम आपको 10 लाख रुपए तक की अमाउंट मिलेगी, या फिर पेंशन की 18 गुना अमाउंट लोन के रूप में आपको मिल सकती है। वहीं अगर आप डिफेंस पेंशनर हैं तो आपको अपने पेंशनर की 20 गुना तक की अमाउंट पर्सनल लोन के रूप में भी मिल सकती है। अब सवाल ये आता है कि इस लोन को चुकाने की टाइम लिमिट क्या होगी। तो आपको बता दें कि अगर आपकी एज 70 इयर्स से ज्यादा है तो लोन लेने के बाद मैक्सिमम 60 किस्तों में यानी कि 5 साल तक आप लोन चुका सकते हैं, ये इसका टाइम स्पैन है। भाई अगर आपकी एज 75 इयर्स से ज्यादा है तो मैक्सिमम आपको 24 किस्त यानी कि 2 साल में लोन चुकाना होगा, ये आपकी टाइम स्पैन होगी। इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के रूप में 500 रुपए प्लस GST लिया जाता है। दूसरा बड़ा बैंक है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी सीनियर सिटीजन के लिए लोन स्कीम चलाती है, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन लोन स्कीम। इस स्कीम के तहत पेंशनर्स को लोन फैसिलिटी मिलती है। इसमें आपको लोन के रूप में कितनी अमाउंट मिलेगी यानी आपको कितनी अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं, ये कम्प्लीटली आपकी पेंशन पर निर्भर करता है। तो आइए अब इस लोन से जुड़ी कुछ जरूरी नियमों के बारे में जरूर जान लेते हैं। सबसे पहला नियम ये है कि एक पेंशनर के लिए ये लोन एक पर्सनल लोन की तरह ही होता है। इस लोन को लेने के लिए ये जरूरी है कि लोन लेने वाले का पेंशन पेमेंट ऑर्डर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास होना चाहिए। दूसरा नियम ये होता है कि SBI से पेंशन लोन के लिए अप्लाई करने के लिए पेंशनर की एज 76 इयर्स से कम होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। तीसरा नियम ये है कि लोन रिपेमेंट पीरियड 72 मंथ्स है, जिसमें 78 इयर्स की आयु तक हर हाल में चुकाना होता ही होता है। भाई आपको बता दें कि अगर आप SBI के लोन से जुड़ी कोई भी बची इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो SBI की ऑफिशियल वेबसाइट जो स्क्रीन पर आ रही है उस पर आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उस पर भी आप डायल कर सकते हैं और उससे जुड़ी सारी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप इस नंबर से पेंशन लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। SBI के कॉन्टैक्ट सेंटर से आप जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पर एक मिस कॉल भी कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर पर्सनल टाइप कर SMS भी भेज सकते हैं। तो अगर आप भी रिटायर हो रहे हैं और आपका बिजनेस करने का प्लान है या जो भी प्लान है तो आप आराम से लोन ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.